जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करी हूँ आपका मैं साप्ताहिक राशिफल में। इस वीक में आपके साथ क्या क्या होगा, चलिए जानते हैं। ये हफ्ते का जो राशिफल है वो 11 मार्च से लेकर के 17 मार्च के लिए एप्लीकेबल होगा। साथ ही आपको आज एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत प्यारे एक भक्त ने पूर्णिमा पे हमसे प्रश्न किया है कि ज्योतिष जो है ये कितना सत्य बता सकता है, तो इसका उत्तर भी मैं आपको दूंगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है, आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से जो आपकी सटीक राशि है, चंद्र राशि है, उसके हिसाब से ही देखें। ये आपको 100% मैच करेगा। जिन लोगों को मान लीजिए आपको ये पूरा मैच नहीं कर रहा है, 80%, 60% या 40% ही मैच कर रहा है, तो समझ लीजिए आज इसमें कोई ऐसा मैसेज है जो आपके और किसी बहन भाई के लिए है। तो जो भी आपके साथ मेल खाए उसको रखें, बाकी को जाने दें, क्योंकि ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। ये जो राशिफल है लाखों लोग एक साथ देख रहे हैं, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज भगवान जी द्वारा मुझे मिलते हैं और वो मैं आपको बताती हूँ। ज्योतिष की गणनाओं पर ये आधारित है, साथ में मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होता है, जो भी भगवान से, जो भी देवी शक्तियों से मुझे आभास प्राप्त होता है, उसके हिसाब से मैं आपको ये राशिफल बताती हूँ। किसी भक्त ने ये पूर्णिमा पे हमसे प्रश्न किया है, जो कीर्तन था उसमें वो पूछते हैं कि गुरुमा ज्योतिष कितना सटीक है, कितना सही बता सकता है। देखो, ज्योतिष तो आपको पूर्णतः सत्य बता सकता है, बिल्कुल सही आपको मार्गदर्शन दे सकता है, तो ये प्रश्न तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में जो है करोड़ों फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारी गणनाएं हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे योग हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ज्योतिष आपको सही बता सकता है या नहीं बता सकता है। आज के इस कलयुग में प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या आपका ज्योतिषी आपको सही बता सकता है या नहीं बता सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना ज्ञान होता है। कोई टीचर जो है वो नर्सरी का टीचर है, टीचर वो भी है। कोई टीचर है वो आपको MBA पढ़ा रहा है, आपको ग्रेजुएशन पढ़ा रहा है, वो भी टीचर है। कोई प्रोफेसर है, किसी ने PhD कर रखा है, वो भी टीचर है। तो आपका ज्योतिषी कितना ज्ञान रखता है ये इस पर निर्भर करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि करोड़ों सूत्रों को वो याद रख सके। अब इस पे प्रश्न आता है, फिर कैसे जाने कि हमारा ज्योतिषी बिल्कुल सही है, वो सही बता रहा है। आपके ज्योतिषी, आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो भी ज्ञानी जन हैं, आपके जो भी पंडित जन हैं, वो जितना भगवान से एक होंगे, जितना भगवान से कनेक्टेड होंगे, जितना भक्ति में डूबे होंगे, उतना ज़्यादा ही वो आपको एक्यूरेट बता सकते हैं, सही बता सकते हैं, उनकी बताई भविष्यवाणी सही होगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी गद्दी पे बैठते हैं, या जब भी हम किसी को ज्योतिष बताते हैं, या उसका भविष्य बताते हैं, या आने वाले समय के बारे में उसको बताते हैं, तो वास्तव में हम नहीं बता रहे होते, ये ईश्वर द्वारा ही हमसे बुलवाया जाता है। तो मान लीजिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी ज्योतिषी के पास गए हैं, तो हो सकता है आपकी कुंडली और उससे पहले कोई व्यक्ति आया हो, उसकी कुंडली सेम हो, लेकिन सभी के ग्रह का फल जो है वो अलग अलग होगा, सबके जीवन का फल अलग अलग होगा। ट्विंस जो होते हैं उनकी जन्म कुंडली बिल्कुल डिट्टो सेम होती है, क्योंकि मुश्किल से 1-2 मिनट के या 3-4 मिनट के अंतराल पे उनका जन्म होता है, लेकिन उनकी किस्मत बिल्कुल अलग होती है। तो आपके ज्योतिषी अगर भगवान से बहुत ज़्यादा संपर्क में हैं, उनको आभास आते हैं, उनको उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, तो आप उनके मुख के द्वारा आपको ऐसा मार्गदर्शन ज़रूर मिलेगा जिससे कि आपकी जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, उसमें आपको निवारण मिल सके, सही गाइडेंस मिल सके, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। अब आप इसमें प्रश्न करेंगे कि गुरुमा फिर हम कैसे जाने कि उनकी भक्ति कितनी अच्छी है, वो कितना भगवान से कनेक्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका दूसरा उत्तर यही है कि आप भगवान से कितने कनेक्टेड हैं। अगर आपको आज कोई कष्ट है, आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हो, किसी दो राहे पर खड़े हो, कुछ आपको ऐसा लगता है कि कहीं फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, तो तभी आपको किसी ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी या किसी ज्ञानी सद्गुरु की आवश्यकता है।
तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे जीवन में ये कष्ट है, इसके मार्गदर्शन के लिए आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति भेज दीजिए जो कि मुझे सही गाइडेंस दे सके। और आप बिल्कुल विश्वास रखना, भगवान आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवा ही देंगे जो आपको उसके द्वारा बोली हुई बातें जो है वो सटीक निकलेंगी, क्योंकि वो नहीं बोल रहे होंगे, भगवान उनके द्वारा बुलवा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें अध्यात्म से जुड़ी हैं। ज्योतिष को आप कभी भी अध्यात्म से अलग नहीं कर सकते। ज्योतिष वो ज्योति जो आपको ईश्वर से जोड़ती है। तो इसीलिए ये प्रश्न सही नहीं, ज्योतिष कितना बता सकता है, ज्योतिष तो सब कुछ बता सकता है। आप अभी क्या सुनने वाले हो ये भगवान पर निर्भर करता है कि आपके लिए क्या मैसेज है और आपके ज्योतिषी आपको क्या बता सकते हैं। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो इस हफ्ते में मुझे आप किसी के साथ मिलके कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी पार्टनर है या आपके बिजनेस पार्टनर है, लवर है, आप किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी और पर्सन के साथ मिलके आप इस हफ्ते में कुछ स्पेशल करेंगे। और यह हफ्ता जो है काफी स्मूथली गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस हफ्ते में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें आप करने वाले हो जो कि लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेंगी, लाइफ को आपकी चेंज करेंगी, मतलब इम्पैक्ट करेंगी एक तरीके से। तो ये भूला नहीं जाएगा आपसे हफ्ता। इस हफ्ते में जो भी कार्य करेंगे वो आप भूल नहीं सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य इस हफ्ते में होने वाले हैं और वो किसी के साथ होने वाले हैं। इस समय में कुछ खुलासे आपको हो सकते हैं अपने बारे में, सामने वाले के बारे में, नॉट इन अ बैड वे, कुछ ऐसा जो आपको सरप्राइज कर देगा, कुछ ऐसा जो आपकी आंखें खोल देगा, आपके माइंडसेट को चेंज कर देगा, कुछ ऐसा आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और आप काफ़ी लोगों को ना अपने जो भी पार्टनर हैं या जो भी आपके वेल विशर्स हैं या जो भी जिनसे आप प्रेम करते हैं उनको काफ़ी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनको प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट देंगे, उनको काफ़ी आप उनका ख्याल रखने की कोशिश करेंगे हर तरीके से। तो आप एक के अंदर एक तरीके का बड़प्पन आ जाएगा, आपके अंदर एक तरीके की पिता वाली फीलिंग आ जाएगी कि हमने अपने बच्चों को, हमने अपने प्रियजनों को, हम जिनसे प्यार करते हैं, जो फैमिली है हमारी, उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा काम है। तो ऐसी फीलिंग आपको आने लगेगी, तो उसकी वजह से ना थोड़े मैच्योर आप इस हफ्ते में होने लगोगे। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी वगैरह है कहीं दूर, तो वहाँ जो है वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों पानी या मिट्टी की कोई समस्या वहाँ पर आ सकती है, तो वहाँ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किसी तरह की पानी या मिट्टी की कोई समस्या ना आए। इस समय में आप जो भी करेंगे आपको भगवान की तरफ से, देवी शक्तियों की तरफ से सपोर्ट जरूर मिलेगा, बस आपको उन पे विश्वास करना है। मान लीजिए अगर आपको कोई काम है, किसी संकट में फंस गए हो, कोई मुश्किल है, नहीं समझ में आ रहा क्या करना, भगवान को याद करो, या जो भी इष्ट हैं जिनको भी मानते हो, चाहे आप अपने माता पिता को ही क्यों नहीं मानते, उन पे विश्वास करो। और जैसे ही आप उन पे विश्वास करोगे ना, तो आपको सपोर्ट उनसे प्राप्त हो जाएगी। हमारे सिद्ध दरबार में भगवान शनिदेव की कृपा से लाखों चमत्कार हो रहे हैं। उन्हीं में से एक भक्त की कहानी सुनते हैं, फिर लौट कर आपके राशिफल पे आएंगे। नाम राकेश कुमार, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत परेशान था। और मैं यूट्यूब पर गुरु माँ के वीडियो देख करके और मैं अपने परेशानी के लिए मैं गुरु माँ के पास दरबार में आया और उनको मैं अपना परेशानी दिखाया। परेशानी दिखाने के बाद उन्होंने मुझे एक लॉकेट दी। लॉकेट देने के बाद जब हमने उसको लॉकेट को पहना और उनको कुछ पूजा पाठ करने के लिए हमको बताए थे, हम पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा रहने लगा। और बहुत पहले मैं बहुत झगड़ता था, बहुत पहले गुस्सा होता था, बाद फिर हमको गुस्सा होता था, मेरा सभी प्रॉब्लम सभी सॉल्व हो गया, मैं सभी अच्छा है। और यहाँ पे आने के बाद गुरु माँ के दरबार में कोई फीस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आ सकते हैं। इस समय में पता नहीं क्यों ऐसे जैसे किसी चीज का फटना, धरती फटना, किसी चीज का आपका कोई कारपेट है वो फट रहा है, कुछ जमीन पे कुछ ऐसा है जो कुछ फट सा रहा है, कुछ टूट सा रहा है, कुछ उसमें गड्ढा हो रहा है, कुछ ऐसा मुझे काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय में आपके जो भी जूनियर्स हैं या आपके से छोटे हैं घर में, या आपके जो भी आप पे निर्भर हैं, आप पे डिपेंडेंट लोग हैं, वो भी आपको बहुत प्यार करेंगे और बहुत प्यार भरी दृष्टि से आपको देखेंगे। और उनको ऐसा लगेगा जैसे आप ही हो जो उनके लिए लाइफ में कुछ कर सकते हो, कुछ डिमांड भी उनकी तरफ से आ सकती है, लेकिन प्यार से ही वो सारी डिमांड वो करेंगे। तो एक फैमिली को लेकर के एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। धन की दृष्टि से बात करें तो बहुत ज़्यादा पैसा तो इस हफ्ते आपके पास नहीं है, लेकिन जो भी है आप उसे बहुत मैच्योरली, बहुत ही वाइजली, बहुत ही तरीके से खर्च करेंगे, जिसकी वजह से आपको कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी।
इस समय में थोड़ा सा आपको रोशनी ज्यादा महसूस हो सकती है, हो सकता है आपके घर में ज्यादा रोशनी आ रही है, ज्यादा धूप आ रही है, या आपको धूप में ज्यादा जाना पड़ रहा है, कुछ बहुत ज्यादा लाइट मुझे दिखाई दे रही है, या हो सकता है आपकी आंखें जो है वो बहुत ज्यादा चौंधियाएं, आपको बहुत ज्यादा लाइट का एक्सपोजर महसूस हो। तो अगर ऐसा हो रहा है अपना सनग्लासेस वगैरह पहन करके आप निकलें, बहुत ज्यादा टीवी या मोबाइल ना देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट जो है आपके ऊपर पड़ती दिखाई दे रही है। अगर आपका शूटिंग वगैरह का काम है तो भी जरा बहुत ज्यादा समय तक आप एक साथ ना बैठे, क्योंकि लाइट जो है वो आपको बैड इन्फ्लुएंस इस समय में करती दिखाई दे रही है। इस समय में कोई एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कि अपने ऊपर वो गमछा डालता है एक साइड पे, या कपड़ा डालता है, या इस तरीके से कपड़े को ड्रेप करता है, जहाँ एक कंधे पे उसके कपड़ा है, ज़्यादा कपड़ा है, या उसने कोई गमछा वगैरह यूज़ कर रखा है। वो व्यक्ति आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, कोई आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास रहेगा। इस समय में आप कहीं मंदिर वगैरह जा सकते हैं और वहां जाकर के पुष्प वगैरह अर्पित कर सकते हैं, खुद ही तोड़ के कोई माला बना सकते हैं, या खुद ही आप तोड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डांसिंग के फील्ड में है, या आप का जोड़ीदार कोई है, उसके साथ सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, या कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वहां भी आपको विशेष लाभ इस हफ्ते होगा। तो ये था आपके इस हफ्ते का हाल। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको खूब सारा आशीर्वाद, भगवान आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।